स्वयं सहायता समूह संपूर्ण जानकारी। जी हाँ, मैं इस वीडियो में आपको स्वयं सहायता समूह की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। और इसमें वीडियो में मैं आपको जो पहले से महिलाएं जुड़ी हुई हैं स्वयं सहायता समूह से, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जो कोई नई महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं और स्वयं सहायता समूह से जुड़ने वाली हैं, तो वह कैसे जुड़ेंगी, उनके सारे डाउट इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करूँगा। अब जो जुड़ी हुई हैं उनके लिए क्या लाभ है, अगर जो पहले से जुड़ी हुई हैं वो किस तरीके से अपनी जो इनकम है, अपना जो खर्चा है, अपनी जो सैलरी है हज़ारों रुपये में कैसे कमा सकती हैं, जो पहले से जुड़ी हुई हैं मैं लोन कैसे ले सकती हैं, सारे डाउट उनके मैं क्लियर करने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी अच्छी मैं जानकारी दूंगा। और इस स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत आपको कौन कौन सी नौकरियाँ मिलती हैं, कौन कौन सी मुख्य नौकरियाँ, मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो सबसे बेस्ट हैं और आप आसानी से वे नौकरियाँ कर सकती हैं अपने गाँव में ही रहकर और अच्छा खासा पैसा कमा सकती हैं। और नई महिलाओं के लिए ये है कि आप किस तरीके से इसमें जुड़ सकती हैं, पूरी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अंत तक देखने के बाद वीडियो अच्छी ना लगे तो आप हमें कमेंट में गाली देकर चली जाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो को एक बार अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगी, जान पाएंगी हमारी, हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत की है। इसलिए प्लीज़ एक एक डाउट आपका क्लियर करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं, आपके हर कमेंट का जवाब मैं खुद दूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि स्वयं सहायता समूह है क्या, इसकी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि स्वयं सहायता समूह निर्धन और असहाय लोगों का एक छोटा सा समूह होता है। इस प्रकार के समूह के सदस्य को समान समस्याओं वाले लोग शामिल होते हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं, अर्थात समस्याओं का समाधान करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने सदस्यों के बीच छोटी बचत को बढ़ावा देता है और यह बचत बैंक में SHG के नाम से एक कॉमन फंड में जमा की जाती है। जब किसी सदस्य को धन की आवश्यकता होती है तो यह समूह सदस्य अपने सामान्य कोष से छोटा सा ऋण के रूप में धनराशि प्रदान करते हैं। और मैं आपको बता दूं, आमतौर पर इन समूहों में 10 से 20 महिलाओं तक हो सकती हैं। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि इनकी जो कोरोना काल में भूमिका रही, इनकी देश विदेश में भी चर्चा हुई, तो इसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ, फिर वीडियो में काम की बात पर आता हूं। तो हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि कोरोना काल के दौरान एक तरफ लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, हालात इतने गंभीर हो गए थे कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। यहां तक कि लोगों के सामने ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई थी कि उनके पास समय का इलाज करवाने के लिए भी पैसा नहीं था। एक गंभीर हालातों में स्वयं सहायता समूह द्वारा बड़ा ही सराहनीय कार्य किया गया था, जिसमें एक तरफा भारी संख्या का लोगों का पलायन हुआ और दूसरी तरफा इन समूह द्वारा मास्क सैनिटाइजर का वितरण के साथ ही अनेक कार्यों में भाग इन्होंने लिया। तो इनकी देश विदेश में, दुनिया भर में, कई देशों ने, मतलब भारत में जो स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं इनकी प्रशंसा की थी। अब मैं बात करता हूँ कि स्वयं सहायता समूह में आप कैसे बन सकती हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप स्वयं सहायता समूह के सदस्य अगर बनना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, स्वयं सहायता समूह अर्थात सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम अपने कोरोना काल के दौरान अवश्य सुना होगा। दरअसल इस प्रकार के समूह जो होते हैं वो शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बने हुए हैं। समूह का सदस्य बनने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं जो पहले से इस प्रकार के समूह से जुड़ा हुआ है। उनसे आप समूह से संबंधित सारी जानकारी ले भी सकती हैं और इस वीडियो में भी मैं आपको देने वाला हूं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जुड़ने के लिए जो पहले से समूह का सदस्य है उससे आप मिल सकती हैं। उससे मिलने के बाद वो आपको समूह के अध्यक्ष से मिलाएगा, अध्यक्ष आपको एक फॉर्म देगा, वो फॉर्म भर के आपको ब्लॉक में जमा करना होता है। तो अब बात करता हूँ कि अब वो फॉर्म के साथ में आपको दस्तावेज क्या क्या लगाने होंगे। तो आपको अपना आधार कार्ड, अपना पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक की पासबुक और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बस आपको इन्हीं कागजों की ज़रूरत होती है। ऑनलाइन भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर,
ऑनलाइन भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्वयं सहायता समूह जो होती हैं उन जो मतलब पहले से जुड़ी हुई महिलाएं हैं वो मतलब कैसे हजारों कमा सकती हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि इसमें मुख्य नौकरियां क्या हैं जिनमें जो आपको गांव में ही मिलेंगी और उन नौकरियों से आप बहुत ही अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकती हैं। तो मैं अब आपको मैं 5 मुख्य नौकरियाँ बताता हूँ और फिर तरीका बताता हूँ कि आप कैसे कमा सकती हैं। नौकरी बताने के बाद जो मुख्य नौकरियां हैं स्वयं सहायता समूह के लिए, ये नौकरी बताने के बाद और आप अच्छा कैसा अच्छा खासा पैसा कैसे कमा सकती हैं ये सब कुछ बताने के बाद, जो पहले से ही स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई हैं वो एक अपनी ज़रूरत के हिसाब से 60 से 70-75 हज़ार रुपये तक का लोन आसानी से कैसे ले सकती हैं, इस बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले इन नौकरियों पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो बढ़िया सबसे बेस्ट नौकरी है स्वयं सहायता समूह के लिए वो है बीसी सखी की नौकरी। अभी तो मैं आपको विस्तार से थोड़ा बता दूंगा, थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन मैंने पहले से ही इन 6 नौकरियों के ऊपर एक वीडियो क्रिएट की हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिलेगा, आप अच्छे से जाकर उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आप उसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं। अभी फिलहाल सिर्फ मैं इनके कार्यों पर चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि ये कैसे बहुत ही जो इनसे बीसी सखी से जुड़ी हुई हैं कैसे एक अच्छी खासी इनकम को जो है अपनी जनरेट कर रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, स्वयं सहायता समूह सखी की नौकरी के पद पर कार्य करने वाली महिलाओं को ही अपने ग्राम पंचायत में चलने वाले 2 से 3 समूह के संचालन का कार्य करना पड़ता है। समूह सखी ग्राम संगठन से जुड़कर कार्य करती हैं। समूह सखी को समूह संचालन के लिए कार्य के लिए एक राष्ट्रीय आजीविका मिशन की तरफ से वेतन भी दिया जाता है। समूह सखी बनने की पूरी जानकारी मतलब मैं आपको जो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो है उसमें पूरा आवेदन कैसे कर सकती हैं पूरी जानकारी है। अब बात करते हैं बीसी सखी की नौकरी की। बीसी सखी को बैंक वाली दीदी भी कहा जाता है। अब बीसी सखी अगर आप बन जाती हैं और इसमें आवेदन कर देती हैं और बीसी सखी में आवेदन करने का पूरा प्रोसेस उस वीडियो में बताया गया है, और अगर आप बीसी सखी नौकरी की करने की इच्छुक हैं और इसमें अगर आप बीसी सखी बन जाती है तो सरकार द्वारा आपको क्या क्या लाभ दिए जाते हैं सबसे पहले ये नोट कर लीजिए। 6 महीने तक सरकार आपको 4-4 हज़ार रुपये महीना देगी। उसके बाद में आपको 50 हज़ार रुपये अतिरिक्त देगी सरकार आपकी डिवाइस जिसमें अंगूठा लगाकर पैसे का लेन देन होता है वो लैपटॉप वगैरह खरीदने के लिए 50 हज़ार रुपये आपको अतिरिक्त मिलेंगे। और इसके बाद 75 हज़ार रुपये आपको अतिरिक्त दिए जाएंगे, वो इसलिए ताकि आप लोगों का लेन देन करा सकें। और अगर आप बीसी सखी बनती हैं और बन जाती हैं तो उसके बाद में आपको क्या करना होता है, जो आपके गाँव में ही हैं, गाँव में कोई बैंक में जाने का इच्छुक नहीं होता, बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो चाहते हैं कि कुछ ऐसी सुविधा हो कि घर पर ही पैसा निकल जाए उनकी जरूरत के हिसाब से, तो आप उनका पैसा जाकर निकलवा सकती हैं और जो आप पैसे का लेन देन निकलवा भी सकती हैं और उनके बैंक में आप डलवा भी सकती हैं। जो आप पैसे का लेन देन बैंक में लेन देन करेंगी उसका कमीशन आपको बैंक देता है। और इस बीसी सखी की नौकरी से जो महिलाएं हैं बीसी सखी से जुड़ी हुई में 30-30 हज़ार रुपये महीना भी आसानी से कमा रही है। तो एक ये सबसे बेस्ट नौकरी है। इसकी पूरी जानकारी के लिए जो वीडियो है उसे आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके बाद आ जाती है पशु सखी की नौकरी। पशु सखी की नौकरी भी आपको अपने गांव में ही मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि पशु सखी की नौकरी के लिए आपको शायद 6 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, और आप जब पशु सखी बन जाती हैं तो इसमें आपको जो आपकी समूह की महिलाएं हैं उन लोगों को पशुओं की, जैसे पशुओं की सरकार द्वारा कोई योजना चलाई जा रही है तो आपको उन योजनाओं की जानकारी उन महिलाओं को देनी होती है, और वो महिलाएँ अपने आसपास के क्षेत्र में ये सभी जानकारी मतलब अवगत कराती हैं लोगों तक। तो इसमें भी एक अच्छा खासा वेतन आपको सरकार संविदा के तौर पर मानदेय देती है। इसके बाद आ जाती है आपकी बैंक सखी की नौकरी की, मैं चर्चा कर ही चुका हूँ। इसके बाद आ जाती है आपकी बिजली सखी की नौकरी। इसमें भी आपको एक ट्रेनिंग पीरियड है। इसमें बिजली सखी के बारे में अगर मैं बताऊं तो 1000 लोगों के यानी कि 1000 मीटर पर एक सखी रखी जाती है जो कि अपने गांव में ही रखी जाएगी। आपको क्या करना होता है कि उनके जो बैंक सॉरी मीटर का जो बिल होता है वो आपको निकाल कर देना होता है, वो अपना फिर जमा वहाँ करा लेंगे। इसमें भी आपको सरकार एक अच्छा खासा वेतन देती है। आपको एक स्मार्टफोन ऐप भी दिया जाएगा जिसकी सहायता से आप मीटर का बिल निकाल लेंगी, उसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी
जाएगी और इसमें आपको बहुत ही अच्छी खासी सैलरी इसमें बैंक बिजली सखी की अंतर्गत आपको मिलती है। तो ये दो तीन नौकरियां जो मैंने बताई, अगर आप इनसे ज्वाइन हो जाती हैं पहले से जुड़ी हुई महिलाएं, तो आप एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकती हैं, बहुत ही अच्छा खासा मानदेय इसमें मिलता है। इसमें अगर सबसे बेस्ट नौकरी की बात करूँ तो सबसे बेस्ट नौकरी है बीसी सखी की, जो कि बैंक वाली दीदी कहा जाता है जिसको, वह सबसे बेस्ट नौकरी है। उसमें आपको सरकार तो पैसे देती ही है एक वेतन के रूप में, लेकिन आप कमीशन के रूप में भी बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा सकती हैं। अब आगे इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अब आप जो अगर जुड़ी हुई है पहले से ही बैंक सखी मतलब स्वयं सहायता समूह से, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से एक अच्छा खासा लोन कैसे ले सकती हैं। अगर आपको जरूरत है तो आप बैंक से लोन भी ले सकती हैं, सरकार ऋण लेने की सुविधा भी बिल्कुल कम ब्याज पे आपको दे रही है, शायद आपको ब्याज ना भी देना पड़े। मैं आपको इस वीडियो में ही अब आगे बताऊंगा, वीडियो अंत तक देखते रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगे तो आप लाइक मत करना यार, बिल्कुल मत करना। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को देखते रहें और समझें पूरे तरीके से कि सरकार आप लोगों को कितना फ़ायदा दे रही है और आप कितना उठा रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार तो आपको इतना सारा दे रही है, लेकिन आप सिर्फ इतना सा ही उठा पा रहे हैं इस स्वयं सहायता समूह से जुड़कर लाभ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने की कोशिश करें। मेरे इस चैनल पर आगे आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहेंगी जिससे आप अपनी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, अगर आप स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुई हैं तो। तो आगे बात करता हूँ लोन के बारे में। अगर आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं तो आपको कोई भी अगर बैंक लोन देगा तो उसकी कुछ पात्रताएं कुछ शर्तें होती हैं। तो सबसे पहले उन शर्तों को आप समझ लीजिए। आपकी उम्र 18 से 65 होनी चाहिए, तो नॉर्मल सी बात है। तो महिला चाहे गरीब हो, बहुत गरीब हो, या गरीब रेखा से नीचे हो, वह भी समूह में शामिल हो सकती हैं, ये भी बिल्कुल आपकी, और समूह में शामिल होकर लोन लेने की पात्र में भी हैं, आपको पता ही है। तो समूह में ज्वाइन करने के बाद हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट जमा करना होगा, इसलिए जब आप काम करेंगी समूह में जुड़कर तो जमा तो अपने आप ही होता रहेगा, उसे छोड़ दीजिए आप। अब बात करते हैं कि समूह में 10-20 सदस्य होते हैं, ये भी मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात आ जाती है कि लोन लेने के लिए कम से कम, ऐसा नहीं होता कि अगर आप स्वयं सहायता समूह में जुड़ गई और ऐसे ही हाथ पर हाथ धरकर बैठ गई, काम कुछ कर नहीं रही, तो आपको बैंक लोन नहीं देगा। बैंक का मानना है, बैंक की शर्त यह है, अगर आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं तो आपको कम से कम 6 महीने एक्टिव रहकर दिखाना होगा, तभी आप लोन ले सकती हैं। अब आगे बात करते हैं, तो किसी भी समूह को शुरू होने के बाद 6 महीने तक सभी को संस्थानों के कुछ राशि प्रति महीना जमा करने के बाद ही लोन के लिए पात्र माना जाएगा। यदि आप स्वयं सहायता समूह बैंक लेना चाहती हैं मतलब लोन लेना चाहती हैं, तो उन्हें ब्लॉक के माध्यम से ही आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन ये होता है, यानी कि अगर आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, बैंक की शर्तें क्या थी कि आपको 6 महीने एक्टिव रहकर दिखाना है। अगर आप 6 महीने एक्टिव भी हैं और आप लोन लेने के इच्छुक हैं, तो आप अपने ब्लॉक पर जाकर एक ऑफलाइन आपको पेपर मिलेगा, मतलब फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भर करके आप अपने ब्लॉक में जमा कर दें, और ब्लॉक में जमा करने के बाद ब्लॉक उसकी पुष्टि करेगा, उसका जांच पड़ताल करने के बाद बैंक को वो फॉर्म आपका दे देगा और आपका लोन अप्लाई हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है और इसमें आप 60 से लेकर 75 हज़ार रुपये तक का लोन आसानी से ले सकती हैं। तो आपको अब आप बताइए आपको ये सब कुछ देखने के बाद आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो ज़रूर करिएगा, लेकिन जो आपसे जुड़ी हुई महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं या जुड़ना चाहती हैं, उन लोगों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और जो 6 नौकरियाँ हैं जो बेस्ट हैं, जिनमें आप अच्छा खासा पैसा जुड़ करके अच्छा खासा पैसा कमा सकती हैं, उसका जो वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उस वीडियो को आप जा करके ज़रूर देखिएगा और उसमें आवेदन करने का तरीका सब कुछ उसमें आपको बताया गया है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आगे इसी तरीके की वीडियो आती रहेंगी, आपको नए नए अवसर मैं बताता रहूँगा कि सरकार आपको किस किस तरीके से लाभ देना चाह रही है, लेकिन आप उनसे अवगत नहीं हैं, आपको पूरी जानकारी नहीं है और आप लाभ नहीं उठा पा रही है। मेरा काम है आप लोगों को सिर्फ अवगत करना, आप लोगों की जानकारी को बढ़ाना, आप लोगों का फ़ायदा करना, बाकी मुझे कुछ नहीं मिल रहा। मेरा तो बस इतना ही है कि आप लोग जागरूक होंगी तो आप लोगों को फ़ायदा होगा, आपके परिवार को फ़ायदा होगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।